मैं हरी टी शर्ट पहन के आया था, क्योंकि मैं चाहता था यार पहली बार साउथ अफ्रीका फाइनल खेले। मैं चाहता था वो 1999 का बदला लिया जाए। मैं चाहता था कि क्विंटन डिकॉक का जो आखिरी वर्ल्ड कप है वो फाइनल खेल के ख़त्म हो, मतलब ये नहीं कि कप लेके जाएं, फाइनल खेल के ख़त्म हो। लेकिन एक बार फिर से मुझे बता दिया कि साउथ अफ्रीका को हम चोकर्स क्यों कहते हैं। पूरी टीम 24 पे 4 विकेट के बाद सिमटने वाली थी। डेविड मिलर ने मेहनत की, लेकिन आखिर में आके कैचेस ने आपको मतलब मैच हरवा दिया, या फिर आपने खुद हार दिया। मैं औसत मेरे साथ फारुक, बहुत सिंपल सी टर्म है ना, कैचेस विन यू मैचेस। बिल्कुल, बहुत सिंपल टर्म है। और मुझे देखिए, मुझे एक बात से बस ये ना कि यार आसानी से क्यों नहीं हार जाते हो। मतलब साउथ अफ्रीका का इशू रहा है कि बिल्कुल बॉटल नेक पर आ करके वहां से गिर जाएंगे। वो 2015 वाला, जी हां, मैं वही कहने वाला था, छक्का मारा था साउथ अफ्रीका। चाहे 99 की बात कीजिए, 15 की बात कीजिए, अभी की बात कीजिए, सेमीज में आते हैं। और देखिए आज का मैच कैसा था, बड़े आराम से हार सकते थे। आज का मैच ऐसा था, आपने 4 विकेट गिर गए 24 ओवर, फिर मिलर ने बोला कि नहीं जी हम हैं, वो आए, वापस आए, उन्होंने सेंचुरी लगाई, क्लासन नहीं चल पाए उतना अच्छा, हालांकि 47 रन आए लेकिन और बड़ी पारी नहीं आ पाई। तो जो टोटल आपने दिया वो थोड़ा मुश्किल था डिफेंड करना, लेकिन फिर गेंदबाज आते हैं, विकेट ले जाते हैं, वो विकेट ले जाने के बाद एक बार फिर से लगता है साउथ अफ्रीका गेम में है, लेकिन उसके बाद आप कैचेस छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद 2-3 इंपॉर्टेंट कैचेस छोड़ते हैं, लास्ट में ऐसा होता है कि डीकॉक, जिनकी अभी बात कर रहे थे, वो अपना आखिरी मैच कभी नहीं भूलेंगे, बिल्कुल कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि जिस तरह से डीकॉक ने इस मैचेस में कैच छोड़े, ऐसा नहीं है कैच मतलब डिफ्लेक्शन ऑब्वियसली, क्योंकि बॉल स्पिन काफी ज्यादा हो रही थी, डिफ्लेक्शन हो रहा था और उस डिफ्लेक्शन की वजह से कैचेस छूटे हैं, लेकिन आप इंटरनेशनल क्रिकेट में सेमीज जैसे प्लेटफॉर्म पर आप इनको कैच छूटना ही बोलेंगे। और जिस तरह से डीकॉक ने आज बैटिंग में वो फ्लॉप हुए, जिस तरह से आज वो विकेट कीपिंग में फ्लॉप हुए, वो इस टूर्नामेंट को 4 सेंचुरी से याद नहीं रखेंगे, वो इस टूर्नामेंट को इस सेमीफाइनल से याद रखेंगे, जिसने साउथ अफ्रीका को एक बार फिर से उसी चोकर की कैटेगरी में ला करके खड़ा कर दिया। आपने शुरू में कहा था कि आप इस टैग को हटाने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप वर्ल्ड कप जीते, लेकिन आप 3 विकेट से सेमीफाइनल में एक बार फिर हार जाते हैं। और तारीफ करनी होगी फारूक, आप किसी को भी कह लीजिए, किसी ने ट्रेविस हेड ने रन मारे, डेविड वार्नर ने रन मारे, नहीं यार, आज फिर पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क, जी हाँ, ये दोनों कहते हैं ना खूंटा गाड़ के खड़ा हो जाना, उस तरीके से खड़े रहे और बॉल घूम रही थी, पेस भी आ रही थी, बाउंसर्स भी आ रहे थे, बट मिचेल स्टार्क 38 गेंद खेल के खड़े रहे और पैट कमिंस 29। यार पैट कमिंस की जो पारी है ये रन्स में नहीं आके जाएंगी, अंडररेटेड रहती है, बिल्कुल ये रन्स में आके ही नहीं जाएंगी, ये वो पारी है जो बॉल्स में रहती है, हां बिल्कुल, ये नंबर ऑफ बॉल्स में रहती है कि मैं इधर से खड़ा हूं उधर तुम देख लो, मैं इधर से खड़ा हूं नहीं दूंगा विकेट, तुम उधर से देख लो। देखिए आज दो चीजों के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। पहली ये चीज, साउथ अफ्रीका को स्पिनर्स शुरू में लगाने थे, जहां पर डेविड वार्नर अटैक कर रहे थे, जहां पर ट्रेविस, क्योंकि देखिए लास्ट में मैच जो है वो कुछ 17-18 बॉलों के लिए तक आ गया था, मतलब मैच जो है वो 48वें ओवर में खत्म हुआ है जाकर के, तो ये बात बताती है साफ साफ कि आपको पता है आपके पास 3 स्पिनर आप गेम में थे, आप गेम में थे, आपके पास 3 प्रीमियम स्पिनर्स थे, आपने केशव महाराज को या मैं को तबरेज शमसी को थोड़ा लेट से आप लेकर आए, मैं जान रहा हूं आप 10 ओवर से अंदर लेकर आ गए थे, लेकिन आपको एक स्पिनर शुरू में ही लगा देना था, बिकॉज जिस तरह से बॉल मूव हो रही थी आपको विकेट पहले 6 ओवर में मिल जाता, लेकिन वहां पर आपने मिस्टेक करी, आपने दोनों बैट्समैन को सेट होने का मौका दे दिया और बस वार्नर, देखिए वार्नर और ट्रेविस हेड दोनों ने तेज मारा रन, वही तेज रन अगर स्लो आता तो ये लास्ट में 17-18 बॉल जो है वो काम देती, और बहुत ज्यादा आपको रन भी, मतलब लास्ट तक पारी अच्छी पहुंच सकती थी। आप नंबर 1 बॉलर हैं केशव महाराज अभी बने, तो आपको उस चीज का फायदा उठाना चाहिए था। 10 ओवर में एक बार फिर से फारूक 24 रन दिए इस बंदे ने आपने, लेकिन उसका क्या किया आपने, कुछ नहीं किया, आपको इनको यूज करना था पहले, आप नई बॉल पे करिए ना, मुजीब नहीं करते और नहीं, एक और चीज आप क्या कर रहे थे, आपने केशव महाराज को लगा रखा, आपने स्लिप नहीं लगा रखा है, बिल्कुल वहां पर इमरान ताहिर कमेंट्री कर रहे थे, वो कह रहे थे कि यहां पर स्लिप होना चाहिए, बिकॉज़ शमसी को भी स्लिप नहीं दिया, आप अटैक कर रहे हैं, हां शमसी को भी नहीं दिया, आप अटैक कर रहे हैं, आपका जब कैच आपको पता है भाई टर्न हो रही है और आप टर्नर पर स्लिप नहीं रखोगे तो क्या रखोगे फिर आप, मेजर इशू आपका वही, बिल्कुल, तो आपने मैचेस इन पोजीशंस पर हारे हैं जहां पर निक हुई है बॉल स्लिप में गई है, पेसर्स में कॉटजी की बॉल पर निक हुई है आपका स्लिप नहीं है, इमरान ताहिर ने 2 बॉल पहले कहा था कि यहां पर एक स्लिप होनी चाहिए अगर आप अटैक कर रहे हैं तो, क्योंकि वो डिफेंसिव मोड में है, आपका प्लेयर डिफेंसिव मोड में है, वो जान रहा है विकेट नहीं देगा, वो डिफेंसिव मोड में खेल रहा है, निक होगी बॉल वहां पर, आप गुड लेंथ बॉल करा रहे हैं लेकिन आपने स्लिप नहीं रखी और कैचेस पर कैचेस छूटते गए। फारूक 28 ओवर डाले स्पिनर्स ने, 89 रन दिए 28 ओवर में, और उन 28 में भी आप देखिए 4 विकेट इन्होंने लिए हैं, तो आपको 212 रन बनाने थे,
212 आपने बनाए थे, 213 का टारगेट था, उसमें से 88 ओवर में देखे गए हैं, बाकी बचे हुए रन 3 गेंदबाजों ने दे दिए हैं उधर से। तो कहीं ना कहीं आपका सेटबैक था। आपने मुजीब को, आप अफगानिस्तान को देख सकते थे स्पिन फ्रेंडली ट्रैक पे कैसे काम करना है। साथ में मुजीब वो आपको पहले नूर को ले आते हैं, हाँ। फिर वो तुरंत बाद मतलब 2-4 ओवर के बाद एक और स्पिनर लगाते हैं, अगर देखती है पिच फ्रेंडली हो रही है स्पिनर। हाँ बिल्कुल, वो स्टार्टिंग मुजीब से करेंगे, राशिद को 15 ओवर के बाद लाते हैं, राशिद को लास्ट के लिए रखते हैं। हाँ, राशिद और नूर दोनों लगभग एक जैसे बॉलर हैं, तो उन दोनों को एक साथ लगा देते हैं। शुरू में आपको मुजीब दिखेंगे, मुजीब के बीच में आपको नबी आ जाएंगे बीच में, फिर उसके बाद आप वही ना, क्योंकि वो देखो उन्होंने ऐसा करा, उन्होंने 4 स्पिनर के साथ उतर गए वो। हाँ, वो पाकिस्तान को उन्होंने हराया था 4 स्पिनर और एक पेसर को लेकर के, और वहां पर उन्होंने अटैक करके कराया था। इंग्लैंड के साथ भी उन्होंने स्पिन के साथ अपने काम किया था। यहां पर साउथ अफ्रीका को इस बात का फायदा उठाना था। आपको आप देख रहे हैं किस तरह शमसी की बॉल मूव हो रही है, किस तरह से केशव महाराज जो अपनी लेंथ यूज कर रहे हैं, तो आपको जब दिख रहा है सामने से कि स्पिन आपके पास अच्छी मिल रही है, तो वहां पर आप इस्तेमाल नहीं कर पाए। एडन माकरम आते ही विकेट लेकर गए थे, आपके पास स्पिनर हैं, अच्छे स्पिनर्स हैं, आपने उनको यूटिलाइज करा, थोड़ी लेट से करा, लेकिन आपने फील्ड प्लेसमेंट उस तरह से नहीं लगाई, और इस वजह से जो कैचेस छूटे हैं ना, जो एम्प्टी स्पेस में कैचेस गए हैं जहां पर एक्चुअली फील्डर होना चाहिए था, वहां पर आप मार खा गए, और वहां पर आप एक बार फिर से अपने आप को नहीं बचा पाए इस टैग से। और दूसरी चीज फारुक तेंबबवुमा, द कैप्टन, द लीडर, मतलब पूरी तरह से फेलियर वर्ल्ड कप उनको याद रखा जाएगा, बिल्कुल फेलियर के होता। मैं नहीं कह रहा तेंबबवुमा के कैसे खिलाड़ी हैं, मैं नहीं जज कर रहा किसी भी चीज़ पे, बट इस वर्ल्ड कप में बल्ला नहीं चला, 8 इनिंग में महज 145 रन, 18 का एवरेज इस खिलाड़ी का है, 73 का स्ट्राइक रेट, हाईएस्ट स्कोर 35 है, 35 हाईएस्ट स्कोर है, और ये कप्तान है, और ये कप्तान, चलो फारुख नहीं देखिए, वो कप्तान है जो बीच में तबियत खराब होने की वजह से बैठे थे, और जिस मैच में बैठे थे जो वो मैच में रन बने थे, जो इनकी जगह पर आए थे रिजा हेंड्रिक्स, उन्होंने रन मारे थे, फिर क्योंकि ये कप्तान है ठीक हो गए, वापस आ गए, उसके बाद भी रन नहीं मारा इन्होंने, तो ये पूरी तरह से फेलियर रहा है। अब तक हम कप्तान के फेलियर में बाबर आजम कर रहे थे, लेकिन नहीं, तेंबबवुमा सबसे बड़े फेलियर रहे इस टूर्नामेंट के। इनसे बेहतर कप्तानी हुई है अफगानिस्तान की तरफ से, इनसे बेहतर कप्तानी हुई है नीदरलैंड्स की तरफ से। साउथ अफ्रीका का जो सबसे बड़ा लूप होल था वो था उनका कप्तान खुद तेंबबवुमा, और बहुत खतरनाक। कुल मिलाकर मेरे मुझे ऐसा लगता है डेविड मिलर को आप कहीं ना कहीं वो मिस करेंगे कि मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दिया था, और तेंबबवुमा याद करेंगे कि मैंने पूरी तरह से खराब किया था, और शायद क्विंटन डिकॉक भी आज ही कहेंगे कि भाई कुछ काफी गलतियां हुई हैं क्विंटन डिकॉक से भी आज, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 क्या छोड़ दिए यार एक मैच में, वो भी सेमीफाइनल में, ऊपर से आपका प्रेशर, आप कुछ भी कहिए, आप सेमीफाइनल अब खेल चुके हैं, आप ये नहीं बोल सकते कि सेमीफाइनल का प्रेशर था। खैर, ऑन द नोट कि साउथ अफ्रीका एक बार फिर से चोकर्स का टैग लेकर घर जाने की तरफ पहुंच गए, और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया अगेन द मोस्ट, वो फाइनल जो नहीं चाहिए इंडियन क्रिकेट फैंस को, ये फाइनल नहीं चाहिए था। आप साउथ अफ्रीका के साथ खिलाते, वी वुड बी हैप्पी टू होस्ट साउथ अफ्रीका इन अहमदाबाद रादर देन ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज वी नो दैट ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अ टीम विद व्हिच एनी टीम इन द वर्ल्ड वुड लाइक टू प्ले द फाइनल, दे नो हाउ टू प्ले द फाइनल। फारूक डर थोड़ा डर देखिए, इंडिया जिस तरह से खेल रही है डर नहीं, लेकिन ऑपोजिशन के हिसाब से सबसे खतरनाक ऑपोजिशन हमारे सामने खड़ा हो गया है, क्योंकि ऑजीज आर बेस्ट व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग नॉकआउट गेम्स। आज भी हमने देखा, स्टार्ट हुआ था जब ये मैच, ऐसा लग रहा था टॉस हारने के बावजूद ऐसा लग रहा था कि इनके मतलब की पिच और इनके मतलब की बॉल इनको मिल गई है। जिस तरह से अटैक कर रहे थे साउथ अफ्रीकन बौखला गए थे, और हमने इस तरह से बौखलाते हुए बहुत टीम्स को देखा है, हमने इस तरह से बौखलाते हुए, अगर यहाँ पे कोई और टीम होती शायद हार सकती थी, जी हाँ बिल्कुल हार सकती थी यहाँ से, बिकॉज यहाँ पर आने के बाद आप चाहे बल्लेबाजी कर रहे हो, वहां पर इतनी स्थिरता रहती थी, कामनेस रहती है इनके अंदर में। हमने वो ग्लेन मैक्सवेल वाला मैच भी देखा था, वहां पर इतनी कामनेस थी कैप्टन और मैक्सवेल के बीच में, कमिंस आराम से 60-70 बॉल खेल के 10-12 रन मार रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, पूरा का पूरा हेडेक दे रखा है कि भाई मुझे पता है तुम झेल लोगे, तुम बर्दाश्त कर लोगे, और तुमने वो काम करा भी है। और एक बार फिर से आज जब मौका मिला, कमिंस फिर खड़े रहे, स्टार्क फिर खड़े रहे, और ये दिखाता है कि क्यों ये माइटी ऑस्ट्रेलिया है। और अब ये माइटी ऑस्ट्रेलिया जाएगी यहां से अहमदाबाद, और उसके सामने रहेगी हिंदुस्तान की टीम, जो कि इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेली है। अब देखना यह है कि ये जो 10-0 है ये 11-0 में कन्वर्ट होता है, या कोई अड़चन आ जाती है। आपको क्या लगता है, क्या ऑस्ट्रेलिया इंडिया से वर्ल्ड कप की ट्रॉफी छीन लेगा, या फिर इंडिया अपने घर में एक बार फिर से 2011 को रिपीट करेगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।